देखो वो भर गया मेथी वाला, अब इसमें धनिया वाले को भरेंगे और लास्ट में वो पालक वाले को। मोटर चल रही टैंकर से, टैंकर बता दूं आपको पानी का, ठीक है। और बसंती को भी मैंने धो दिया बढ़िया। ये तीनों खेत बन गए, जिसमें पानी जा रहा है इसमें है मेथी, इस वाले में है पालक, और वो 2 बीघा जो खेत दिख रहा आगे उसमें है धनिया, ठीक है। तो 3 बीघे में है मेथी, 5 बीघे में पालक, और 2.5 बीघा होगा उसमें है धनिया, ठीक है। ये पी रहे हैं। सबसे पहले मैंने मोटर चलाते ही नींबू को बढ़िया साफ, इस पर धूल हो गई थी, ये हो गया है। और ये हमारी बसंती, पूरे उत्तराखंड की यात्रा में इसको कहीं मैंने धोया नहीं, स्नान नहीं कराया, कराना चाहिए था। खैर, तो गाइस बहुत मेहनत पड़ी, 3-3 बार खोदा और सब जड़ें वगैरह निकाल दी, पत्थर वत्थर जो भी। और ये पाइप यदि सीधा आप रखते हैं तो इसमें मिट्टी कटती है, वहाँ गड्ढा हो जाता है, छोटे खेत है इसलिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये सब बना देता हूँ। अब ये खेत पी जाएगा तो उधर मिट्टी लगा देंगे और इसमें खोल देंगे पालक वाले में, ठीक है। ये जंक्शन है, इटारसी जंक्शन, कानपुर तो सेंट्रल जंक्शन नहीं, ठीक है, ऐसे यहाँ पे। तो इसमें है धनिया, इसमें है पालक, और ये मेथी का खेत पी रहा है। और गाइस मैंने थोड़ी जगह यहाँ छोड़ दी है, दिख रही है खुदी हुई है। तो मूली के बीज अभी नहीं है मेरे पास, लात या गहरा खोद के मूली बो दूंगा, और बीच बीच में डोरियों पे भी मूली बोएंगे। तो खेती बाड़ी का काम जारी है अपना। सवेरे से एक चाय और कॉफ़ी बनाई है मैंने, और मेहनत तगड़ी हो गई है। तो ये ठीक है, ज़मीन के लेवल से थोड़े नीचे रखे इनको क्यारों के, जैसे खेत का लेवल उससे थोड़ा नीचे, ताकि कहीं मान लो मेरे को आना जाना पड़ा बाहर तो 15-20 दिन महीने भर भी रहे तो इसको एक बार फुल पानी भर दो तो सूखता नहीं। ये पी जाएगा, फिर ऊपर टंकी के लिए जोड़ दूंगा, ऊपर टैंकर के लिए। और सब्जियां तो मैंने वो कन्या आई थी उनसे ले ली थी, अभी बनाएंगे आलू गोभी टमाटर, मस्त मस्त खाने का, मस्त रहने। ये देखो क्यारी भर गई, दिख रही है आपको चकाचक, अब दूसरे में डालते हैं। हम कभी कभी हमारे घर पे खेत पे करते थे ऐसे, और बड़ा एकदम से कहीं फूट गया क्यारा, उधर पानी जा रहा, सब घबराहट होती थी, छोटे छोटे थे ना ऐसे, अपनी खेत पे कभी कभी ऐसे होता था जैसे कोई डैम फूट गया हो बड़ा भारी। कानपुरिया कनकलता, शताब्दी नगर कानपुर से उड़ के आ जा, कनकलता मिश्रा, और 2 पराठे बना दे, मैंने बहुत मेहनत की तो भूख बहुत लग रही है, बनाने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी। और तेरे मकान का क्या हो, तूने सूचना वगैरह नहीं दी मेरे को, मकान संबंधी जो भी प्रॉब्लम आ रही हो तो हाजिर है हम, उसमें बड़ी टाइम से इच्छा रही मेरी, जब हम मिले थे तो कह रही थी कि 2-3 महीने मिल जाएगा, तो उसको 1.5 साल हो गया है, ठीक है ना। वो जल्दी जल्दी, और कहीं भी कोई इश्यू हो तो प्लीज़ बताइए, हम तेरे ही हैं, और तू भी धनुष बाण अलग रख दे तो फिर सब ठीक है।